नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रमजीत सिंह आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम टाटा 16-13 वर्सेस टाटा 25-18 दोनों बॉडी का काम जो है आपको डिफरेंस बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो की शुरुआत करवाते हैं। और सबसे पहले जो हम बात करते हैं टाटा की, जो है 16-13 गाड़ी, आप देख सकते हो अभी कलर हो रहा है गाड़ी में और बहुत जल्दी वह गाड़ी रेडी होने वाली है। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं शुक्ल लैंड की गाड़ी, जो शिमला क्वीन, बहुत जल्द उसका वीडियो आने वाला है। और उसके बाद हनुमानगढ़ की गाड़ी आने वाली है अपने मुकेश भाई की, और बहुत ज़्यादा आपके सामने शुक्ल लैंड की गाड़ी आने वाली है। और ये आप देख सकते हो डैशबोर्ड जो है वाइट कलर का था और हमने ग्रीन कलर जो ऊपर किया हुआ है, और नीचे का बम्पर आप देख सकते हो टाटा कंपनी का लगा कर दिया है। टू हेडलाइट्स जो गाड़ी की ऑन करके दिए है, ऊपर इंडिकेटर्स जो ब्लिंकिंग करवा के देंगे। और ये आप देख सकते हो गाड़ी का 25-18 का डैशबोर्ड जो है वो हमने वाइट ही रखा हुआ है। और इस गाड़ी की जो है फोर हेडलाइट्स ऑन करके दिए हमने, नीचे का बम्पर आप देख सकते हो। और वहीं हम फ्रंट बॉडी की बात करें और सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करवाते हैं आपको। और ये आप देखते हो सील पेपर का जो है काम हो रखा है सारी गाड़ी में, ऊपर देखते हो रेडियम का काम, और ऊपर देखते हो नए डिजाइन के साथ हमने गोला बना कर दिया है। नीचे आप रेडियम का काम देखते हो ऑरेंज कलर की जो है रेडियम करके दी है। और उसके नीचे आप देखते हो आई कैट्स और ग्लास जो है गाड़ी के पहाड़ी इलाकों में चलने वाली गाड़ी के साइड के हमने बना कर दिया है। ये आप देखते हो कि ग्लास जो है बड़े किए हुए हैं, और नीचे हैंडल्स का काम है आप देखते हो, रेडियम का काम हो रखा है। और ये जो सरंद बॉडी है ये आपके सामने खड़ी है, और इस गाड़ी को हमने जो है पूरा डाउन किया हुआ है नीचे की तरफ, और पूरी जो गाड़ी है नीचे की तरफ डाउन है। आपको साइड प्रोफाइल में भी आपको दिखाएंगे, वीडियो के साथ बने रहिए। और वहीं बात करें हम जोधपुर बॉडी की, और ये जो गाड़ी है ऊपर से आप काम देख सकते हो गाड़ी का ऑल इंडिया परमिट महादेव ऊपर लिखा हुआ है, और ये पेंट के साथ हमने गुड्स कैरियर लिखा हुआ है, GHRTM जो हमारा नाम देख सकते हो। सारा जो काम है हमारे द्वारा किया गया है, गुरुहारा ट्रक मॉडल पंजाब। और ये आप देखते हो जोधपुर स्टैंड जो है, जयपुर स्टैंड लगाए हुए हैं, और ब्लू रेडियम का काम आप देखते हो। और इस गाड़ी में आप देखते हो सारा जो है गाड़ी को डाउन किया गया है आगे से, और सुरंद बॉडी में आप देखते हो। और दोनों गाड़ियों में हम आपको बॉडी का डिफरेंस बता रहे हैं कि कैसा कैसा गाड़ियों में डिफरेंस होता है दोनों गाड़ियों की बॉडी बनने के बाद। वही साइड प्रोफाइल की बात करें तो जोधपुर बॉडी का आप काम देखते हो बखूबी, जो है गाड़ी की डिलीवरी जो है 1-2 दिन तक हो जाएगी यहाँ से। और वहीं सुरंद बॉडी में आप काम देखते हो गाड़ी का, ऊपर जो है सारा जो है हमने डाउन करके दिया है, ये आप सारा चेक कर सकते हो। ऊपर से जो मत्था है वो डाउन किया हुआ है। और वहीं जोधपुर बॉडी में आगे की तरफ लेकर आते हैं हमारे जोधपुर बॉडी वाले। और वहीं सुरंद बॉडी की बात करें तो ये हम स्लाइडिंग विंडो जो बनाने वाले हैं इस गाड़ी को, कैबिन का काम और हो चुका है। और 6 चक्का गाड़ी है, पीछे आप देख सकते हो शुक्ल लैंड का भी काम आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। उसके बाद 12 चक्का गाड़ी जो है अपने पास हनुमानगढ़ से आई हुई है, उस गाड़ी का भी बहुत जल्द आपके सामने काम आने वाला है। और गाड़ी में जो है ग्रीन कलर हो रखा है, और ये गाड़ी का आप टिप्पर देख सकते हो गाड़ी को, जो है टूल बॉक्स जो है टिप्पर किया हुआ है ऊपर से, जो अपने सरंद बॉडी में बनाते हैं वैसे हमने सेम टू सेम काम किया हुआ है। और वहीं जोधपुर बॉडी में आप देखते हो ये जो गाड़ियों में डिफरेंस होता है दोनों बॉडी में, और रेडियम के साथ जो है काम आपको मिलेगा। 16-13 जो गाड़ी है नए मॉडल में हम बॉडी लगाने वाले हैं, बहुत जल्द आपके सामने बॉडी के साथ ये गाड़ी आने वाली है। इस गाड़ी की जो है डिलीवरी 1-2 दिन तक हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी प्रकार से आपको हमारे चैनल पर ट्रक्स की वीडियो मिलती रहेगी। और ये टूल का काम आप देखते हो लकड़ी के साथ जो है टूल का काम होता है, और बाकी जो है सनमाइका अंदर यूज़ किया हुआ है, और बाकी सारा जो डैशबोर्ड का काम है वो हम फैब्रिक के साथ ही करते हैं। बहुत जल्द जो लेटेस्ट डिज़ाइन
हम गाड़ी में डालने वाले हैं 16-13 गाड़ी में। और ये आप देखते हो गाड़ी के स्टील का काम, जो आप लाइटिंग जब पड़ती है तो ये आप देखते हो गाड़ी की चमक खूबी बनी हुई है, जब रोशनी पड़ती है गाड़ी के ऊपर। सारा काम जो है हमारे द्वारा किया जाता है। काम अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए काम आपको कैसा लगा। और बहुत जल्द हम इस गाड़ी का जो है रिव्यू डालने वाले हैं, और इसके पहले जो है अशोक लीलैंड की BS4 मोड 1918 गाड़ी का बॉडी का काम आपके सामने आने वाला है। न्यू लेटेस्ट कैबिन का डिज़ाइन आपके सामने हम दिखाने वाले हैं। और गाड़ी का जो टोल की बात करें और वो हम आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों आप गाड़ी का टोल देख सकते हो, ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आप देख सकते हो आखिर से जो टोल है वो इतना गाड़ी जो है टिपर कर देते हैं हमारे सरंद बॉडी वाले। और बाकी आप जोधपुर बॉडी का सामने देख सकते हो इतना टोल जो है आगे की तरफ रहता है, और बाकी का जो सरंद बॉडी का टोल है वो इतना जो है पीछे चला जाता है जब गाड़ी बन जाती है, और इतना जो है छोटा हो जाता है ऊपर से। और गाड़ी भी अच्छी दिखती है जब सरंद बॉडी में बन जाती है। नए डिजाइन में जो है स्लाइडिंग विंडो में ये गाड़ी बन रही है हमारे पास। पंजाब की गाड़ी है और जम्मू टाइप की गाड़ी हम बना रहे हैं। बहुत जल्द स्लाइडिंग विंडो जो है, अभी सारी गाड़ियाँ जो है स्लाइडिंग विंडो में बना रहे हैं। ये शिमला की जो गाड़ी है ये सिर्फ ओपन विंडोज में रेडी हो रही है। बहुत जल्द आपके सामने गाड़ी के रिव्यू डालने वाले हैं। इसी प्रकार से मैं विक्रमजीत सिंह आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।